राजद के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतिम यात्रा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत राजद के कई नेता शामिल हुए, मगर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को दूर दूर रहना पड़ा। जी हां, ऐसा नहीं है कि रघुवंश बाबू को उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी, उन्होंने अपने आवास में एकांत कोने में रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीर रखकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। जी हां, ऐसा करते हुए उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जी हां, इस तस्वीर में राजद विधायक तेज प्रताप यादव रघुवंश बाबू की तस्वीर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। जी हां, दरअसल राजद में रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटे पानी से करने के बाद तेज प्रताप बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। जी हां, पहले तो इस पर उन्हें लालू यादव और तेजस्वी की नाराजगी झेलनी पड़ी और अब रघुवंश बाबू के गुजरने के बाद तेज प्रताप अपने बयानों को लेकर राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। बिहार के नेताओं ने उन्हें यह तक कह दिया है कि एक लोटा पानी वाले बयान ने रघुवंश बाबू को इतना आहत कर दिया कि उनकी जान चली गई। इस तरह के बयानों से तेज प्रताप खुद को मुश्किलों में पा रहे हैं। जी हाँ, इसलिए उन्होंने रघुवंश बाबू की अंतिम यात्रा में खुद को अलग रखा। कह सकते हैं कि एक लोटा पानी वाला बयान ने उन्हें अलग थलग कर दिया है। आपको बता दें, जिसके बाद वो उनके अंतिम यात्रा में नहीं गए और उन्होंने अपने घर पर ही रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।